एवरीवन, एकदम 100% करेक्ट गेस किया था। आज का वीडियो है इंस्टाग्राम कंट्रोल्स माय स्टेशनरी हॉल। इस बार मैं गई थी मिनीसो स्टेशनरी शॉपिंग के लिए। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, प्लीज उनको जाकर मैसेज करो इंस्टाग्राम पे टू स्पॉन्सर अस फॉर मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस, क्योंकि फिर बहुत हेल्प हो जाती है यार जो ब्रांड पसंद है उन्हीं के साथ काम करने में। तो मैंने बहुत सारे पोल्स किए थे इंस्टाग्राम पे कि क्या मुझे ये लेना चाहिए या ये, एंड आप सब ने इतने सारे वोट्स किए ना कि मुझे बहुत मजा आया शॉपिंग करने में। तो शुरू करते हैं। पहला पोल था दो स्टेशनरी किट्स के बीच में, जो था पिंक और ब्लू, एंड मुझे पोस्ट करते वक्त ही मालूम था कि मेजॉरिटी क्या होने वाला है। तो वी हैव द पिंक स्टेशनरी किट। एक्चुअली ब्लू वाले में ना टोटल 8 चीजें थी, एंड आई थिंक पिंक वाले में सिर्फ 3 ही चीज है, लेकिन कोई नहीं, 150 रुपीज में काफी एस्थेटिक सा सेट है। बस इसके साथ एक छोटा सा टूल आता है जो मुझे समझ में नहीं आया अभी तक कि इसका क्या यूज है। नेक्स्ट आइटम था पेपर क्लिप्स, एंड पेपर क्लिप्स में काफी अच्छा थीम था कि एक था आइस का सेट और एक था चश्मे का सेट। आइस का था ब्लू कलर, चश्मे का था रेड कलर। 1% से जीती आंख, 51% से तो हम ये लेके आए, बट बाय द टाइम में निकली ना एकदम 50-50 हो चुका था। तो अच्छा हुआ मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था जब आइस का 51% था। 6 पेपर क्लिप्स आए 100 रुपीज की। मुझे ये चीज एक्चुअली इतनी वर्थ इट नहीं लगती, क्योंकि है तो ये पेपर क्लिप ही, तो 100 रुपए काफी ज्यादा है 6 पेपर क्लिप्स के लिए। लेकिन अगर आप क्यूट वाली ढूंढ रहे हो तो मिनीसो में ऐसी वाली मिलती है। नेक्स्ट पोल था दो पेन्स के बीच, एक थी ग्रे कलर की जेल पेन और एक थी ग्रीन कलर की ब्रश पेन। एक्चुअली उधर और भी वैरायटीज थे, लेकिन टेस्ट कर करके आई डोंट नो सारे के सारे ऑलमोस्ट ओपन पीसेस थे, एंड मेजॉरिटी पेन्स ना सूख गए थे। तो अन वही खरीदना था, ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट एक करोगे और फिर उसी में बैक पीस मिलेगा। एक्चुअली सारे के सारे ओपन पीसेस थे, तो मैं और वैरायटी नहीं दे पाई। ग्रे जेल पेन काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जेल पेन में जल्दी से ग्रे कलर कभी नहीं देखा, तो इवन दो वो पेन था दिख रहा था पेंसिल जैसा, तो मुझे उसमें तो इंटरेस्ट था ही। लेकिन आपने चूज की ग्रीन वाली ब्रश पेन, वो भी एकदम बड़े परसेंटेज से, 70% से। ये भी बुरी नहीं है यार, इसकी ब्रश साइड ही मुझे ज्यादा पसंद है, नॉर्मल साइड तो एकदम स्केच पेन जैसी है। एंड ये 60 रुपीज की थी। आई थिंक ब्रश पेन थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो 60 रुपीज उतना बुरा प्राइस नहीं है इसके लिए। ओके, नेक्स्ट था पाउच या पेंसिल केस, एंड मेरे को पेंसिल केस ही चाहिए था, बिकॉज वो सेम टेक्सचर सेम कलर की मेरे पास घर पे नोटबुक है, जो मैं कुछ महीनों पहले मिनीसो से लेके आई थी, आई थिंक 6 महीने पहले लेके आई थी। लेकिन आपने चूज किया पाउच, एंड किसी ने मुझे डीएम भी किया कि आपके पास ऑलरेडी ऐसा पाउच था पहले, तो आप पेंसिल केस लेना, लेकिन जो मेजॉरिटी को चाहिए वही खरीदना था, तो ये पाउच लेकर आ गई। ये वाला ना सिलिकॉन फिनिश का है, बट ये कितने का था मालूम है? 260 रुपीज इस पाउच के लिए। तो मुझे थोड़ा ऐसा जान जल गए कि कहाँ 250 रुपए चले गए। क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिप की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा स्मूथ है, लेकिन मैं पर्सनली पाउच के लिए आई डोंट नो इतने पैसे प्रिफर करूंगी कि नहीं। तो नेक्स्ट पोल था पेंसिल्स या पेन्स के बीच में, एंड एक्चुअली वो पेंसिल्स भी पेंसिल्स नहीं थे, वो पेन थी जो पेंसिल के शेप में थी, और वो मैंने लिखा भी था, बट आई डोंट नो क्यू मेजॉरिटी लोगों ने पेन चूज किया। तो वो मोमेंट में मैंने खुद को एक लाइफ लाइन दे दी कि मैं एक आइटम मेरे हिसाब से ले सकती हूँ। तो मैंने वो रोज गोल्ड पेन नहीं लेके ये वाले पेन्स लिए, जो डिट्टो पेंसिल के जैसे दिखते हैं, एंड मुझे ऑनेस्टली ये काफ़ी ज़्यादा वर्थ द मनी लगा। मतलब वो एक जो पेन थी ना, वो 150 रुपये की एक पेन थी, और ये 4 पेन्स 200 रुपये की है, मतलब 50 रुपये की एक पेन है, एंड ये एक्चुअली बहुत यूनिक लगी मुझे। ओके, नेक्स्ट था ग्लिटर ग्लू या लूज ग्लिटर। एक्चुअली लूज ग्लिटर का कॉन्सेप्ट उधर बहुत अच्छा था कि वो बॉटल में था ना, तो वो पैकेट फोड़ के ऐसे 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 नहीं डालना पड़ता, तो क्या इतना ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता। बट आई वॉज होपिंग आप चूज करोगे पूरा ग्लिटर ग्लू का पैक, क्योंकि वो बहुत ब्राइट कलर्स है, एंड यू डिड चूज द ग्लिटर ग्लू। क्या प्यारे कलर्स है। अभी मैं एक चीज़ में कन्फ्यूज हूँ कि क्या ये एक्चुअली ग्लू है या वो 3D लाइनर है, वो मुझे अभी तक नहीं समझा, पर जो भी है बहुत प्रिटी दिखता है। 200 रुपीज की 6 ट्यूब्स आई।
अब आएगा जूसी वाला माल। मुझे तो नोटबुक्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने नोटबुक्स को ना एंड में डाला था। सबसे पहले हमारे पास था क्लॉथ की नोटबुक या लिनन की नोटबुक। उधर लिनन की नोटबुक्स तो बहुत सारी थी, लेकिन मैं मॉम को पूछ रही थी कि मैं लिनन के बाजू में क्या ऑप्शन दूँ, तो मॉम ने ये वाली ढूंढी एंड आपने यही चूज़ की। मुझे ना चेक्स पैटर्न बहुत प्यारा लगता है एंड ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन ना एकदम क्लासिक कॉम्बिनेशन है, तो ये नोटबुक बहुत ज़्यादा प्रिटी है। ये नोटबुक एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव थी, 360 रुपीज़ की है ये, लेकिन इसका बाहर का मटेरियल तो बहुत अच्छा है। अंदर खोल के देखते हैं कैसी है। नेक्स्ट था दो नोटपैड्स के बीच का फाइट एंड एक था कीवी शेप, एक था वाटरमेलन शेप। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि वाटरमेलन वाले पे ना प्राइस टैग नहीं था, तो हमने कीवी वाला भी बैग में डाल के रखा था एंड उन्होंने गलती से कीवी वाला पहले बिल कर दिया एंड एक बार बिल हो जाता है तो एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो सॉरी। इवन तो आपने वाटरमेलन चूज़ किया, मेरे पास कीवी है। वैसे तो अच्छी बात है क्योंकि मुझे कीवी ज़्यादा पसंद है वाटरमेलन से, बट सॉरी इसमें ना ये वाली गड़बड़ हो गई। बट ये वाला 150 रुपीज़ का था, तो अगेन ये एक प्रोडक्ट मुझे बहुत नहीं लगा कि 150 रुपये का नोटपैड नहीं, नोटबुक होती पूरे साइज़ की, समझ सकते हैं, बट ये बहुत छोटा है 150 रुपीज़ के लिए। अगली दो चीज़ें भी बहुत सही है। पहला पोल था कि काइंड ऑफ सेम पैटर्न में मैं बड़ा वाला नोटबुक लूँ कि छोटा वाला, एंड मुझे जो लगा था वही हुआ। मोस्ट ऑफ यू ने बड़ा वाला सिलेक्ट किया एंड क्या प्रिटी है यार, मतलब हार्ड बाउंड क्वालिटी है, आगे का कवर ना ग्लॉसी है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी लग रही है एंड अंदर से भी फुल प्लानर टाइप्स है, लाइक ऐसा ग्रिड दिया हुआ है एंड इसमें डेट्स नहीं है। मुझे ना डेट्स बिल्कुल नहीं पसंद प्लानर में। इसमें बुलेट जर्नल के भी पेजेस है, इसमें ब्लू कलर के भी ब्लैंक पेजेस है, तो 250 रुपीज में ये आइटम मुझे सबसे वर्थ इट लगी, पाउच से तो काफी ज्यादा वर्थ इट। एंड आई करेक्ट माई सेल्फ, मेरी सबसे फेवरेट आइटम निकली ये नेक्स्ट पोल से। तो नेक्स्ट पोल था फ्लोरल नोटबुक के ऊपर, एक था एक छोटा सा प्लानर एंड एक था एक बुलेट जर्नल काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें लेदर वाली कवर थी। अब लेते वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि इवन तो आपने बुलेट जर्नल चूज किया था उसमें थोड़ा डिफेक्ट था, तो लास्ट मोमेंट मैंने फिर दूसरा वाला ऑप्शन ले लिया एंड मुझे ये चाहिए ही था कुछ भी करके, क्योंकि इसके अंदर के पेजेस कुछ अगर डिफरेंस दिखे तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन कैमरा की बैटरी डेड हो गई यार। बट वी बैक टू माई फेवरेट थिंग फ्रॉम द होल हॉल, इसके पेजेस बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड इसमें कहीं भी कुछ भी डेट नहीं दी है। अनडेटेड प्लानर मेरा सबसे फेवरेट प्लानर होता है, क्योंकि मुझे ज़रा भी प्रेशर नहीं आता प्लानर भरने का एंड इसी रीज़न की वजह से मुझे ये साल मेरा प्लानर लॉन्च करना था खुद का, लेकिन मैं थोड़ा और वेट करूँगी, इसलिए ये प्लानर मेरा सबसे फेवरेट है पूरे हॉल में से। पेस्टल कलर का प्लानर या पेस्टल कलर की नोटबुक एंड आपने वहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट पैसा वसूल आइटम चूज किया ये पेस्टल वाला प्लानर, क्योंकि ये सिर्फ 90 रुपीस का है। इस पे लिखा है कि स्टिकी नोट्स है, मतलब आप इसको प्लान कर करके फाड़ के लगा भी सकते हो, इसके पीछे ग्लू रहेगा, तो ये वाली चीज भी टॉप 3 में आती ही है। पोल स्टिकी नोट्स और मेमो पैड्स के बीच में एंड ऑनेस्टली मैं होप कर रही थी कि आप स्टिकी नोट्स चूज करो, क्योंकि वो मेमो पैड्स ना दो छोटी छोटी डायरी थी एंड आई थिंक वो 150 रुपए की थी। ऑल्दो ये भी कुछ 200 रुपए का वर्थ नहीं है, लेकिन वो डायरी से तो मुझे ज्यादा ही पसंद आया एंड इसमें लिखा है कि 300 शीट्स है, तो पर कलर 75 शीट्स है। अब लास्ट पोल था गिफ्ट बॉक्स या गिफ्टिंग कार्ड के बीच में
एंड मैंने ना एक्चुअली गिफ्टिंग कार्ड पहले भी यूज़ किए हैं मिनीसो के, एंड शायद मैंने व्लॉग भी किया था, तो आपने एकदम सही चॉइस की, आपने गिफ्ट बॉक्स चूज़ किया। मुझे एक्चुअली बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं भी तो देखूँ कि ऐसा क्या यूनिक है। पर ये गिफ्ट बॉक्स एक्चुअली 190 रुपीज़ का है, यूजुअली मेरे गिफ्ट का बजट ही इतना होता है, तो देखते हैं कितना स्पेशल है ये। एंड मिनीसो जाओ और कोई फालतू की चीज ना उठा के आओ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। फालतू से मेरा मतलब है जिसकी जरूरत नहीं थी। एंड वहां पे दो ऐसी चीजें थी, एक था वायरलेस कीबोर्ड जिसके पिंक कलर के कीज थे और वो 50% ऑफ में था, तो कुछ 800 रुपए का मिल रहा था। दूसरा ऑप्शन था ये नेल पॉलिश, ये मम्मी और मुझे दोनों को पसंद आई, तो ऑफकोर्स मैंने नेल पॉलिश चूज की क्योंकि 90 रुपीज की थी, तो 90 रुपीज का झटका मैं सहन कर सकती हूँ, 800 रुपए का नहीं। बट मिनीसो आजकल बहुत अच्छे शेड्स निकाल रहा है नेल पॉलिश में, एंड 90 रुपीज बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट आई थिंक फॉर अ नेल पॉलिश। तो ये टाइम हमने ये डार्क ग्रीन ग्रीनिश ब्लू कलर की नेल पॉलिश ली, आई थिंक इसको टील बोलते हैं। तो ये था मेरा बिग फैट मिनीसो हॉल जो चूज किया था आपने। अगर आपको फ्यूचर वीडियोस में पार्टिसिपेट करना है तो मैं इंस्टाग्राम की लिंक छोड़ रही हूँ ऊपर, वहाँ पे फॉलो जरूर कर देना क्योंकि ये पोल्स मैं वहाँ पे डालती हूँ। एंड अगर ये वीडियो देखने में आपको मजा आया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, और मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।